यूपी के हरदोई में बच्चा चोरी के लगातार सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाह को देखते हुए एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने अब इस मामले में दर्ज मुकदमों में अलग अलग स्थानों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि अफवाह फैलाने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि बच्चा चोरी की सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बाद मानसिक विक्षिप्त और दिव्यांग लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में पुलिस ने जिले भर में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर के जो यहाँ एक भ्रम की स्थिति क्रिएट की जा रही थी और लगातार इस तरह की अफवाहों पे लोग रिएक्ट कर रहे थे और इस भ्रम में कई जगह निर्दोष व्यक्तियों को जो मेंटली चैलेंज लोग थे उनको और कई वृद्ध महिलाओं के साथ भी कृत्य मारपीट की घटनाएं हुई। उक्त घटनाओं का संज्ञान लेते हुए और ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि कानून का अपने हाथ में किसी को लेने की इजाज़त नहीं है, अगर कोई भ्रम भी है तो उसके बारे में पुलिस को सूचना दें और जो भी यथोचित कार्रवाई है वो करें। कानून को अपने हाथ में लेकर के वायलेंस करने वाले लोगों के विरुद्ध जनपद में सघन कार्रवाई कल की गई है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस तरह के घटनाओं का संज्ञान लेते हुए 4 मुकदमे लिखे गए हैं, थाना सांडी, इसके अलावा शाहबाद, कछौना और हरपालपुर, और इन घटनाओं में लगभग 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। धारा 505 इसमें इन्वोक की गई है।